दिवाली से पहले दिल्ली को मिलने जा रहा है इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ तोहफा, जो ना सिर्फ राजधानी की शान बढ़ाएगा बल्कि दूर प्रदेशों से आने वाले टूरिस्ट के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा, क्योंकि यमुना पर बने सिग्नेचर ब्रिज का आज उद्घाटन है। दिल्ली के लिए शान की बात है, लेकिन इसकी धार खराब करने के लिए सियासी टोली मैदान में कूद पड़ी है। उद्घाटन से पहले ही सियासत ने जोर पकड़ा है। ब्रिज का फीता मुख्यमंत्री केजरीवाल काटेंगे, लेकिन इस इलाके के बीजेपी सांसद और दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने बिन बुलाए मेहमान बनने का ऐलान कर दिया है। ट्वीट में लिखा है कि बेल पर रिहा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिसीव करूंगा। इस 675 मीटर के पुल को बनाने में 15 साल और 1500 करोड़ खर्च हो गए, जो शर्मनाक है। सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन से पहले दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने तैयारियों का जायजा लिया। फाइनली सिग्नेचर ब्रिज, जिसका दिल्ली की जनता को और खासतौर से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को और इधर सेंट्रल दिल्ली या नॉर्थ दिल्ली की जनता को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, घंटों जाम में लगना पड़ता था, उसकी तैयारी पूरी हो गई है। इसका उद्घाटन किया जा रहा है 4 नवंबर को शाम को, और 5 तारीख की सुबह से ही जनता के लिए यूज़ के लिए उपलब्ध हो जाएगा। तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी इस पुल को फाइनल शेप दिलाने में। मैंने दिल्ली गवर्नमेंट जा रही है, आई हैव नॉट बीन इनवाइटेड, बट आई एम नॉट वेरी हैप्पी, आई एम गोइंग टू कांग्रेचुलेट देम फॉर हैविंग गॉट इट डन फाइनली। लेकिन आपको इनवाइट तो करना चाहिए था। नहीं नहीं, उसे क्या वो करेगा, हमें और काम नहीं है। सिग्नेचर ब्रिज का मुख्य आकर्षण उसका मुख्य पिलर है, जिसकी ऊंचाई 154 मीटर है। खंबों तक 2 लिफ्ट से लोग पहुंच सकते हैं और वहां से उन्हें दिल्ली का टॉप व्यू दिखाई देगा। ब्रिज पर 15 स्टेक केबल्स हैं, जो बूमरैंग आकार के हैं। सिग्नेचर ब्रिज नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बीच यातायात के वक्त में खासी कटौती करेगा। तो दिल्ली वालों, दिवाली के जश्न में इसे भी शामिल कर लो, क्योंकि अब आप शान से कहेंगे कि हाँ, हमारे पास अब सिग्नेचर ब्रिज है। ईशा गुप्ता के साथ रोहित मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो 8 साल के लंबे इंतजार के बाद दिवाली से पहले दिल्ली वासियों को सिग्नेचर ब्रिज का खूबसूरत तोहफा मिलेगा। नवंबर 4 को सिग्नेचर ब्रिज चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा। इस वक्त हम सिग्नेचर ब्रिज पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह यहां पर तैयारियां चल रही हैं उसी इनॉग्रेशन के लिए। फाइनली अब 8 साल बाद इनॉग्रेट होगा, उसको दिल्ली की जनता कितना पसंद करती है, दिल्ली की जनता उस पर क्या कहती है, ये अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ ईशा गुप्ता, दिल्ली आज तक। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।